हेलो फ्रेंड्स, देखिए ये स्क्वायर कटा हुआ है। इसे इस तरह से मोड़ लीजिए ट्रायंगल शेप में, फिर इसे इधर से मोड़ लीजिए इस तरह से। ये इसका बीच पॉइंट रहेगा, इधर से इसे मोड़ लीजिए। ये दो बार हो गया, फिर एक बार और मोड़ लीजिए, तीन। एक बार और मोड़ लीजिए, चार। इस तरह से हम चार बार मोड़ चुके हैं, ठीक है। देखिए इस तरह से हम चार बार मोड़ लिए। अब हम इसे कट करना है। देखिए पहले इस तरह से कट कीजिएगा, ठीक है, इस तरह से। फिर इसको यहाँ से कट करना है, इस तरह से करना है। फिर इसे इस तरह से गोलाई से लेना है, इस तरह से, ठीक है। फिर ये यहाँ से लेना है, इस तरह से। इसके बाद इसको यहाँ से लेना है, इस तरह से कट करना है। पहले इसे कट कर लीजिएगा। देखिए पहले इसे निकाल दीजिए। ये जो एक्स्ट्रा था इसे हम कट कर लिए हैं। इस तरफ से देखिए ये इस साइड में रहेगा, इधर से हम डिजाइन बना रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर भी कट होगा, इस तरह से कट कीजिए। ये इस तरह से कट होगा, ठीक है। यहाँ पर पांच शेप बनाइएगा। इस तरह से यहाँ पर कटेगा। पहले यहाँ से ये ले लीजिए, फिर यहाँ से इसको ले लीजिए, ठीक है। ये पूरा कट हो जाएगा, यहाँ से ये पूरा कट होगा, ये छोड़ देना है। यहाँ से इसको ले लीजिए, यहाँ से हल्का से इस तरह से कट करना है। ये इस तरह से कट करना है इधर, ठीक है। ये इस तरह से कट होगा, समझ में आ गया होगा। अब यहाँ से भी ये इसको शेप देना है, इस तरह से कट करना है। देखिए इस तरह से ये कट हो जाएगा। अब यहाँ जो बचता है उसे इस तरह से कट कर देना है, ऐसे। ये इसको कट करना है, ठीक है। इस तरह से ये डिजाइन बना लीजिए, ठीक है। अब इसे कट करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। इस तरह से काट लीजिए, यहाँ भी इसे काट लीजिए। गोल शेप में काट लीजिए, ये निकल जाएगा। यहाँ से ये पान का लिए पहले से काट लीजिए। ठीक है, इसे यहाँ से लेके यहाँ तक काटना है। ये 5 से 20 तरह से कट जाएगा, ठीक है। इसे काट लीजिए पहले ही।
अब इसे काट लीजिए इस तरह से। इस तरह से ये यहाँ पर अलग हो जाएगा, ठीक है। अब इसे भी काट लीजिए इस तरह से। ठीक है, अब इसे काटेंगे। से फिर इधर से काटिएगा, ठीक है। यहां से सेव कर दीजिए इस तरह से। यहां से कट गया, इसे काट दीजिए। धीरे धीरे आराम से कैंची चलाइए। देखिए ये कट गया इस तरह से सेप, ठीक है। देखिए अब इसे हम खोल देंगे। देखिए इस टाइप से ये दिखेगा, ठीक है। देखिए इस तरह से ये दिखेगा, बहुत ही आसान है रंग।